गोविंदपुर थाना क्षेत्र के साहिबगंज हाईवे 0 पॉइंट पर स्थित अपना नर्सिंग होम में इलाजरत बिजली विभाग के रिटायर्ड कर्मी रामचंद्र रजक के इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल कर्मी पर नशे की हालत में काम करने का गंभीर आरोप लगाया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं अस्पताल के प्रबंधक ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि इलाज में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं हुई है, कई चिकित्सकों की देखरेख में इलाज किया गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की, परिजनों को शांत कराया। लापरवाही इस वजह से हुआ क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे आए 2-10 मिनट के चाय पानी पीने नहाने धोने नाश्ता करने गए थे, उस टाइम आके देख रहे 8 बजे जो वार्ड वो यहाँ पे चढ़ा वो क्या बोल रहा है कि ये हो गया है, उसका कोई ई नहीं है, जानकारी नहीं, इसलिए क्योंकि मेरा दीदी जो सवाल पूछी उससे हाँ वो उसका जवाब देने नहीं सके। जानकारी हुआ कि हॉस्पिटल में एडमिट है, खबर मिला था हमारे कि डेड कर गया है, तो यहाँ क्या हुआ? वही 2 महीना की डॉक्टर से इलाज नहीं हुआ, फलना नहीं हुआ। आप लोग क्या कुछ किया है अभी तक? क्या अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है? आप लोग मैंने वही